मंगलवार को मथुरा के वृंदावन में स्थित दक्षिण भारतीय शैली के रंगनाथ मंदिर में भगवान राम का जन्म उत्सव मनाया गया। वैदिक परंपरा और मंत्रोच्चारण के मध्य भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी का अभिषेक किया गया। 3 दिवसीय उत्सव के अंतिम दिन अभिषेक के भगवान राघवेंद्र सरकार की भव्य आरती की गयी। वृंदावन में स्थित दक्षिण भारतीय शैली के विशालतम रंगनाथ मंदिर में मंगलवार को रामनवमी उत्सव की धूम रही। भगवान राम के जन्म उत्सव पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 3 दिवसीय जन्म उत्सव के अंतिम दिन भगवान राम, माता को जानकी और लक्ष्मण जी का अभिषेक किया गया। रामनवमी का पर्व मनाया गया है, क्या क्या परंपरा है, जबकि और जगह देखा जा रहा है कि 1 महीने पहले ही रामनवमी मनाई गई। मैं रंगजी मंदिर से लखनलाल पाठक, सुपरवाइजर। हमारे मंदिर में वर्ष में 365 दिनों में 385 उत्सव मनाए जाते हैं और सभी उत्सव जो हैं विधि विधान से योग नक्षत्र वार के मिलान करके ही इनको स्वरूप दिया जाता है। प्रतिदिन उत्सव मनाने के कारण रामानुज संप्रदाय से संबंधित उत्सव भी मनाए जाते हैं, तो इसको दिव्य देश भी कहा जाता है। उसी क्रम में अभी 3 दिन से यहाँ श्री रामनवमी उत्सव चल रहा है, जबकि आम पब्लिक में ये उत्सव पिछले महीने मना चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ योग नक्षत्र तिथि वार का मिलान करके ही मनाया जाता है। तो तारीख 8 से 8, 9, 10, आज तीसरा दिन है, समापन दिवस है। प्रतिदिन भगवान की सवारी, तिरमंजन, भगवान का भोग, फिर वो गोष्ठी वितरण, प्रसाद वितरण, इस तरह के आयोजन यहाँ किए जाते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।